हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि की शराब देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 7 अक्टूबर को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो जल्दी से आप मेरे को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम के ऊपर, वहां आपको IPL के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम के अलावा काफी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं गिवअवे के अंदर, और पाकिस्तान नेशनल T20 कप के मुकाबलों की भी टीम मिलती है, एकदम फ्री है। ज्वाइन करना, आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लेना है। और आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको IPL के सभी मुकाबलों के अंदर एक फ्री एंट्री मिलने जा रही है। साथ ही अगर आप IPL के मुकाबले खेलते हो फैन टू प्ले पे, आप वन प्लस नॉट टू आईफोन 12 मिनी सैमसंग गैलेक्सी के फोन भी प्राइस में जीत पाओगे। और विनिंग करने के लिए आपको केवल यहाँ पे 2, 3 या 4 प्लेयर की टीम बनानी पड़ेगी। और सेकंड इनिंग्स फैंटेसी का फीचर है फैन टू प्ले के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश मिलेगा। डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो शारजा के मैदान पे बल्लेबाजी करना सबसे मुश्किल काम रहा है। पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर केवल 132 रन का इस मैदान के ऊपर। यहां पे रात का मैच है तो ड्यू फैक्टर बीच में आने वाला है, टीमें टॉस जीतेंगी और आंख बंद करके गेंदबाजी करेंगे इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जो कि यूएई लीग के अंदर काफी शानदार खेला है। और अगर टीम ये मुकाबला जीत जाएगा तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, यानी काफी बड़ा मुकाबला है कोलकाता के लिए। वहीं अगर टीम ये मुकाबला हारेगा तो टीम को आखिरी मुंबई के मुकाबले का इंतजार करना पड़ेगा। तो टीम चाहेगा ये मुकाबला जीते और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए इस मुकाबले के अंदर। इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की गेंदबाजी, खास करके इनके स्पिन बॉलर्स। वरुण चक्र वर्ती इस टीम के लिए 15 विकेट निकाल चुके हैं, उनकी इकोनॉमी 7 से भी कम की रही है। इस पिच पे वो बहुत ही बड़े थ्रेट होने वाले हैं। सुनील नारायण को भी 10 विकेट मिल चुके हैं इस टीम के लिए, उनकी इकोनॉमी भी 7 से कम की है। साथ ही के अंदर वो बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और शाकिब अल हसन को मौका मिला पिछले मुकाबले में, और शाकिब ने भी क्लास दिखा दी पिछले मुकाबले में। तो ये तीनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और इस पिच के ऊपर काफी कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी को लीड कर टीम साउदी गेंदबाजी भी काफी डिसेंट रही केकेआर के लिए। बल्लेबाजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पार्ट है इस टीम को, लेकिन फिर भी कभी कभी परफॉर्मेंस आ जाता है। शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में अच्छी हाफ सेंचुरी मारी, वो टेक्निकली स्टेबल प्लेयर हैं, इस पिच पर अच्छा खेल सकते हैं। और वेंकटेश अय्यर ने भी कुछ काफी धमाकेदार पारियां खेली इस टीम के लिए, वो भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर नीतीश राणा टीम में है, दिनेश कार्तिक टीम में, राहुल त्रिपाठी टीम में है, बस ओयन मॉर्गन ने काफी खराब खेला है। तो कोलकाता के लिए काफी बड़ा मुकाबला है, इनके गेंदबाजों के ऊपर वापस दरअमदर रहने वाला है। बहुत तगड़े स्पिनर्स हैं कोलकाता के पास में। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो कोई जरूरत नहीं है बदलाव करने की, विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाएगा केकेआर इस मुकाबले में। तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, नंबर 3 के ऊपर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे नीतीश राणा, नंबर 5 पे ओयन मॉर्गन, नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पे शाकिब अल हसन, फिर सुनील नारायण, टीम साउदी, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती। जरूर से बड़ा मुकाबला है कोलकाता के लिए और टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं मेरी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जो कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। जिस तरीके से टीम पिछले मुकाबले में हारा, उससे पता लगता है ये टीम कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है। किसी मुकाबले में टीम 190 चेस कर देती है और किसी में टीम 100 रन भी नहीं बना पाती। यही कहानी रही है राजस्थान रॉयल्स की पूरे सीजन के अंदर। संजू सैमसन काफी शानदार खेले इस टीम के लिए, कंसिस्टेंट रहे हैं, वो जरूर से इस मुकाबले के अंदर भी खेलना चाहेंगे, पर कप्तानी काफी ज्यादा ढीली रही है। इवन लुइस ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है, पर बड़ी पारी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। सीपीएल के
की तरह। उसके अलावा जायसवाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, दुबे ने एक मुकाबले में अच्छा खेला, डेविड मिलर हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, बल्लेबाजों में कोई दिक्कत नहीं है इस टीम के, लेकिन कंसिस्टेंसी जो थी वो राजस्थान बुरी तरह लैक कर पाया। और गेंदबाजी के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इतने सारे बदलाव किए इस टीम ने। आकाश सिंह खेल गए, कुलदीप यादव खेल गए, श्रेयस गोपाल खेल गए, मयंक मार्कंडे खेल गए, कार्तिक त्यागी खेल गए, इतने सारे बदलाव गेंदबाजी के अंदर। चेतन सागर या मुस्तफिज रहमान काफी डिसेंट गेंदबाजी करी, लेकिन बाकी गेंदबाजी कंसिस्टेंट नहीं रही। तो राजस्थान का कैंपेन यही डिफाइन होता है, इनकंसिस्टेंट। बैटिंग फिर भी थोड़ी बहुत चली है, गेंदबाजी तो पूरी तरह से खराब रही है। राजस्थान आखिरी मुकाबला रेस्पेक्ट के लिए खेलेगा और अगले साल अब खेलने की सोचेगा। प्लेइंग 11 के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होगा। राजस्थान नॉर्मली 5-5 चेंज कर देता है, तो इस मुकाबले में तो कितने बदलाव होंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी कोलकाता, वो टीम होगी राजस्थान, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली उस टीम के ऊपर। तो शारजा के मैदान के ऊपर जो भी टीम बाद में खेलेगा उसको एडवांटेज मिलने वाला है। मैदान छोटा है, ड्यू बीच में आएगी, इस वजह से जो भी टीम चेस करती है उसको एडवांटेज मिलेगा। हालांकि अगर हम आईपीएल की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमेशा आखिरी दिन पता लगता है कौन पहुंचा प्लेऑफ मुकाबलों में, तो उस हिसाब से कोलकाता नहीं जीतना चाहिए, पर जो भी टीम चेस करेगी एडवांटेज रहेगा उस टीम को। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिए स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।